आपके भाव और विश्वास को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे चौधरी साहब का भाव वाकई सराहनीय है। यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे गुरुजी सन 2000 के आसपास मंच छोड़ चुके हैं, और आप लोग परिचित हो कि आश्रम पे भी कथा हुई लेकिन वो मंच पे नहीं आए। और आज चौधरी साहब के भाव ने उन्हें खींचा है, और इनके सहारे से हम और आप सबको भी दर्शन और वचनों का लाभ मिल रहा है। बहुत सौभाग्य हम सबका है। शंकर भगवान से पार्वती ने कथा सुनी, पूछी, हृदय से निकलवाई। निर्माण तो बहुत पहले से कर रखा था शंकर भगवान ने। रच महेश निज मानस राखा, ऐसे महापुरुषों के हृदय में न जाने कितनी साधना की कितनी संपत्ति रखी रहती है, लेकिन कोई भावना श्रद्धा प्रधान व्यक्ति जब उसे निकलवाता है तो उसके सहारे से सारे समाज को लाभ मिल जाता है। पार्वती ने वो कथा निकलवाई और लाभ मिला सारी दुनिया को। आज तक हम उसी कथा को तो सुन रहे हैं, उसी कथा को तो कह रहे हैं। तो अब हम लोगों के बीच में श्री गुरुदेव जी का आगमन होने वाला है, उनके दर्शन होंगे। और हम परसों बता चुके हैं, ये शाम संस्मरणात पुंसाम सद्य शुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जो एकांत सेवन करने वाले जो महापुरुष बुद्ध पुरुष होते हैं, वो एकांत में अध्यात्म की कमाई करते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों का समाज में आगमन समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके दर्शन और वचन हमें मिलने वाले हैं, और हम तब तक एक भजन गुनगुनाएंगे जब तक वो हमारे बीच में प्रकट होंगे। तो तुम्हें आता हो वो गाँव, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे बोल रहे हैं जाने उपास है का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो ऐसे लग रहे हैं दावत खाए के आए हैं। इस भारत की जनता को यहाँ के इंसानों को कोई बल याद दिला दे तो याद आता है। बोलो शंकर भगवान की। गाइए कुछ जा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
वचन से हो जाता है, वचन से हो जाता है, वचन से हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आज तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीरथ। हरिओम। गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे हमारे जो यजमान हैं और उनके पीछे जो सेवक लोग हैं और जो मेरे गुरुजनों की जो टीम आई है, वह भी आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आएंगे। चलो, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, वो आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
मुझे प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री विभूषित परम श्रद्धे जगत अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव महाराज के युगल पावन चरण कमलों में बार बार नतमस्तक होते हुए सर्व यतिवृंद श्रद्धान्वित प्रबुद्ध श्रोतागण श्रद्धामयी भक्ति की मूर्ति साक्षात मेरी मातृशक्ति इस पावन बेला में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं सूत्रेण आपसे उस निवेदन को करने के लिए आया हूं जिसको आंशिक भी यदि हम धारण कर लेंगे तो शायद वर्तमान का जीवन तो हमारा सुख में शांति में श्रेष्ठ महान योग्य सुनहरा बनेगा ही, लेकिन भविष्य भी हमारा बहुत ही उज्ज्वल होगा। लोक और परलोक दोनों हमारे सुधरेंगे बनेंगे, सुख और शांति में व्यतीत होंगे। उस बात को मैं आपसे निवेदन करने के लिए परामर्श सा कर लें थोड़ा सा।
परामर्श करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत ध्यान दे करके सुनना और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझना। मैं पहले कह चुका हूँ आंशिक, मन थोड़ा सा भी अंश यदि हमारी समझ में आ गया तो बस हो गया कल्याण। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता और भागवत जी के माध्यम से ही बताऊं आपको, जहां जहां भी वरिष्ठ व्यक्तियों में, श्रेष्ठ व्यक्तियों में, सुलझे हुए व्यक्तियों में, सामाजिक व्यक्तियों में, भक्तों में जहां संशय हुआ है, जहां किसी भी प्रकार से लेकिन किंतु परंतु लगी है अपने हृदय में, तो मैं थोड़े से मैं बताऊंगा इस भागवत जी के माध्यम से ही कथा के माध्यम से ही उनका समाधान हुआ, उनका कल्याण हुआ। सती जी को ब्रह्म हुआ था, दूसरे जन्म में पार्वती अवतार धारण करके शंकर भगवान से कथा श्रवण की, ब्रह्म की निवृत्ति हुई। आपकी हमारी बात तो छोड़ो, जो साक्षात जगत जननी है सती जी, त्रिभुवन पति, त्रिभुवन गुरु, उनकी पत्नी और प्रेमियों, उनको भी संशय हो गया, उनको भी भ्रम हो गया, तो ये स्वाभाविक है। आप चिंता मत करो कि हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, भगवान क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, हम संसार में फंस रहे हैं, ये बिल्कुल छोड़ दो। आप केवल ध्यान देकर के थोड़ा सा प्रयास करके एक दिन भी यदि आप सुन लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। गरुड़ जी भगवान को पीठ पर लाद करके उड़ते हैं। आप हम सब चाहते हैं, जन्म जन्मों से तपस्या करते हैं और चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के स्पर्श हो जाएं, भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दें, लेकिन गरुड़ जी के ऊपर तो कितनी कृपा थी, स्वयं भगवान ही बैठे हुए थे, लेकिन क्या हो गया, संशय हो गया। किससे निवृत्त हुआ, काकभूषण जी के पास में कथा सुनी, निवृत्त हो गया। और लो जिसको आप सुन रहे हैं ये परीक्षित जी, क्या हुआ, श्राप लगा, और इतना भयंकर श्राप लगा कि 7 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रेमियों, इस भगवान की वांग्मयी मूर्ति ने, इस भगवान के साक्षात स्वरूप ने परीक्षित जी का श्राप वरदान के रूप में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, बना करके दिखा दिया। जयराम जी की शक्ति है इसमें। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये भगवान की वार्ता, ये भगवान की कथा, ये भगवान ने दिया हुआ ऐसा सुंदर अवसर कब आता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मों में किए हुए पुण्य, पुण्य नहीं, पुण्यों के फल सामने आते हैं। हम खेती करते हैं तो जौ, गेहूं, बाजरा, चना, मटर, कुछ भी हो तो पौधे के लिए नहीं करते, बल्कि पौधे में फल आए उसके लिए करते हैं। तो पुण्य का तात्पर्य पुण्यों का फल है, जब फलोन्मुख होता है, सामने आता है, क्रियान्वित होता है, भगवान की कृपा इस रूप में उतरती है, तदा भागवतम लभे। बोला क्यों, इसमें ऐसी विशेषता क्या है, बोला एतस्मात अपरम मनः शुद्धय किंचित न विद्यते। संसार में, लोक में, परलोक में, जितने भी हमारे शास्त्रों में, वेद में, संतों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, पंथों ने, ग्रंथों ने जितने भी साधन बताए हैं, उन सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत जी की कथा को बताया है। एतस्मात अपरम मनः शुद्धय किंचित न विद्यते, लेस मात्र भी दूसरा साधन नहीं है, केवल इसी का सहारा ले लो, इसी का कथन करो, इसी का श्रवण करो, इसी का मनन करो, जयराम जी की बेड़ा पार हो गया। अच्छा क्यों, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि सबसे बढ़कर के साधन यही बताया है, साधन नहीं, साधनों का फल बताया है, साधन में आपसे कह रहा हूं भूल कर गया, लेकिन साधनों का फल क्यों बताया इसे। तेन यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे, तेन तस्मात कारण, इस कारण से मन को शुद्ध करने का, और खेल सारा मन का है, बंधन मन का है, मुक्ति मन की है, संसार मन का है, लोक परलोक मन के हैं, भला बुरा मन का है, मित्र शत्रु मन के हैं, तेरा मेरा मन का है,
यही तो है, आपकी बालिका है 18-20 साल की होगी, आपके पास में रह रही है, नहीं आपने विवाह कर दिया, तेरा मेरा बन गया कि नहीं, उससे पहले कोई तेरा मेरा नहीं था, तो अब उसके मन ने ही तो बनाया। तो सारे संसार में लगा लेना, सारा खेल मन का है। और यदि अब मैं इसी पे बोलूंगा थोड़ा सा, मन के ऊपर ही आगे आ रहा हूं, यदि मन शुद्ध है नहीं तो संसार शुद्ध है। यदि मन आपका महान है, मन आपका श्रेष्ठ है, मन आपका सुलझा हुआ है, मन आपका सृजनकारी है, मन में आपका धनात्मक रचनात्कारी है, रचनात्मक है, तो समझ लीजिए बस हो गया काम। और उसके विपरीत है, उसको ज्यादा ना लें, जरूरत भी नहीं है नेगेटिव पॉइंट की। और उसके विपरीत है तो आप सोच लो फिर कैसा जीवन है। तो मन शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरी साधन प्रणाली है ही नहीं, संसार में कोई उपाय है ही नहीं। क्यों, कारण क्या है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण लीला करके स्वधाम को जा रहे थे, उस समय देवताओं ने, ऋषि मुनि महर्षियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि बोलो प्रभु आप जा रहे हैं स्वधाम को, जाएंगे जरूर जाएंगे, नियम है प्रकृति का, लेकिन हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, इस घोर कलिकाल में हम किसके सहारे जिएंगे? ये तो हमें पीड़ित करेगा, प्रताड़ित करेगा, दुखी करेगा, अशांत करेगा, चिंतित करेगा, भयभीत करेगा, कलयुग के बारे में सुन रखी, तो आप हमें कृपा करके कोई ऐसा साधन बताओ जिसके आश्रय हम रह करके जीवन निर्वाह कर लें, अपने समय को व्यतीत कर लें, हम बच जाएं। कौन कह रहे हैं? देवता और ऋषि महर्षि तेजस्वी तपस्वी मिलकर के किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान ने कहा कि प्रेमियों, मैं लीला संवरण करके जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक तप है, मेरा जो वास्तविक तेज है, मेरी जो वास्तविक कांति है, मेरी जो वास्तविक छवि है, मेरी जो वास्तविक प्रतिमा है, उसको मैं भागवत जी में समर्पित करके जा रहा हूं। ये भगवान के वाक्य सज्जनों, इसलिए तेनयम तस्मात कारणात्, मैंने भगवान के वाक्य होने के कारण से, तेनयम वांग्मयी मूर्ति, ये वाणी की मूर्ति है, कागज नहीं है, ये भगवान की मूर्ति है। और वो सुखदेव जी के अंदर प्रकट होकर के, रूपांतरित होकर के, सगुण साकार रूप होकर के आपके हमारे सामने आई है, वो भगवान की मूर्ति वाणी का रूप धारण करके, वह मूर्ति है यह है। तो आओ, शुरुआत में मैंने आपसे निवेदन किया कि सुखी रहने का एक छोटा सा सूत्र, छोटा सा फार्मूला, उसके बारे में आप हम विचार कर लें। जब परीक्षित जी अनशन व्रत करके गंगा किनारे पहुंच गए थे, भगवान से डोरी लग गई प्रार्थना की, तो प्रभु, भगवान को कहीं जाकर के बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान को कोई पत्र व्यवहार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बोले काहे की आवश्यकता पड़े जिससे भगवान आ जाए? बता दूं? रहने दो, बतानी पड़ेगी, सुन लो। केवल भगवान न प्रार्थना से रीझते हैं, न श्लोकों से रीझते हैं, न मंत्रों से रीझते हैं भगवान, अरे ये समझ में, ढोल डंका से भगवान प्रार्थना करते हैं, आरती बजाते हैं ना, नहीं रीझते हैं। तो बोले किससे रीझते हैं? भगवान रीझते हैं हृदय की मौन भाषा से, रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ये की। इसके हृदय में क्या है, इसका हृदय क्या कह रहा है? मन हृदय बात एक ही, एक अंग है हृदय का, अंतःकरण कहो, उसमें क्या है? बस भगवान उसको देखते हैं और उस भाषा से भगवान तुरंत ही रीझ जाते हैं। बिल्ली के पास में कौन से वेद पढ़े थे बिल्ली ने, बताओ? कौन सी संस्कृत भाषा पढ़ी थी बिल्ली ने? कौन सी योग्यता थी? कौन से उच्च कुल वर्ण आश्रम की थी? अधम थी, अधम अधम अति नार। लेकिन भगवान ने जाकर के क्या कहा? योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहें आज सुलभ भई सोई। क्यों भई सुलभ? शुद्ध मन था, समझो। और सज्जनों, हमें सावधान रहना पड़ेगा जब
मन में असद भावनाएं आती हैं तो उनसे दूरी बनाने के लिए हमें परहेज करना ही पड़ेगा। क्यों? ध्यान से पढ़े सुनना पंक्ति के लिए। हर मानव के अंदर अपने विचार और भावों के अनुरूप, जिसे ऊर्जा कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, वो निरंतर प्रवाहित रहती है। फिर बोलो एक बार, बहुत धीरे से समझना, अच्छी तरह समझना। हर मानव के अंदर अपने भाव और विचारों की एक ऊर्जा, एक शक्ति निरंतर प्रवाहित रहती है। वह भाव विचारों से उत्पन्न हुई ऊर्जा ही इसके जीवन में स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करती है। जयराम जी, समझ रहे होंगे? अपने भाव विचारों से बनी हुई शक्ति कहो, ऊर्जा कहो, प्रकृति कहो, वह ही हमारे जीवन में स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करती है, लाती है। जो निरंतर जिस प्रकार से विचारता है, जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार का भाव है, उसी प्रकार के भाव के अनुरूप उसके सामने वैसी परिस्थितियां बिना बुलाए ही स्वतः ही आकर्षित होती हैं, आती हैं। बिल्कुल उनको बुलाने की आवश्यकता है नहीं। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति को बुद्धि रेषा, अहम् करोमीति वृथा अभिमानः, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अब आप समझ गए होंगे वाल्मीकि रामायण जी में, सुख से दुख से न कोपी दाता, दूसरा कोई सुख दुख का देने वाला है ही नहीं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का बनाने वाला कोई है ही नहीं, स्थिति परिस्थितियों को बदलने वाला कोई है ही नहीं, स्वयं के भाव ही स्थिति परिस्थिति, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, शांति अशांति पैदा करते हैं। स्वयं के भाव सज्जन, दूसरे की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं, पद की आवश्यकता नहीं, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो केवल सद्भाव की आवश्यकता है। प्रेम एक आवश्यकता। अच्छा, वह ऊर्जा एक प्रतिमा का रूप बनाती है, माने जिसका हम निरंतर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा यद अभिक्षणम निसेवते तदेव अपहर्त्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत। मन से, वचन से, कर्म से हम जिसका सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तद एव वह विषय ही अपहर्ति इसका अपहरण करके ले जाता है। अपहरण क्या है, को कहें, उठा करके ले जाता है। वह विषय जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो वह हमारे अंदर एक मूर्ति बन गई, एक प्रतिमा बन गई, भावों की, विचारों की। और सज्जनों, उस मूर्ति का सिंचन, उस मूर्ति का अभिषेक हमारे निरंतर के जो भाव विचार हैं वे ही करते हैं, वहीं से करते हैं। भावों की मूर्ति बनी और मूर्ति का, मूर्ति की पूजा यूं समझो, हमारे भाव विचार ही करते हैं। आगे समझ, इसी सिद्धांत के तहत थोड़ा सा मैं भागवत जी से चलूं। तो जब परीक्षित जी गंगा किनारे शुरू किया था मैंने, अनशन व्रत करके बैठ गए थे, तो उनके अनशन व्रत की जो ऊर्जा, जो भावना, ध्यान देव यहीं आ रही है, वो प्रमाण ले लो, वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सज्जनों, आपका जो भाव विचार आप तक ही सीमित नहीं रहता, आपके देश तक भी सीमित नहीं रहता, आपके समाज तक ही सीमित नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में फैल जाता है। सज्जन, आपका भाव और विचार, आप ब्रह्मांड के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, सोच के अनुरूप। तो सारे परीक्षित जी का जो भाव था, वो विचारों की जो ऊर्जा थी, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सब ऋषि मुनि महर्षि तेजस्वी तपस्वियों के कानों में पचले आप पहुंच गई, चलो गंगा किनारे, चलो गंगा किनारे। परीक्षित जी बैठे हुए हैं, श्री सुखदेव महाराज जी आएंगे और कथा अमृत का वितरण करेंगे, पान कराएंगे, इसलिए चलो गंगा किनारे, चलो गंगा किनारे। कोई कागज पेपर नहीं छपवाए थे, कोई पोस्टर भी नहीं लगवाए थे, बैनर भी नहीं लगवाए थे, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि वो बैनर ऐसा है, वो पोस्टर ऐसा है, वो कार्ड ऐसा है कि बिना ही यान के, अभियान के पहुंच जाता है। यान अभियान की आवश्यकता नहीं, पहुंच जाता है, पहुंच गया सच।
और कभी आप विचार करना, मैं फिर यहाँ सूत्र कह दूं आपसे, कभी आप विचार करना, जब कठिन परिस्थिति में आप उलझ जाते हो, समस्या का समाधान आपको जब नहीं मिलता है, तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एकांत में बैठना, गंगा जल हो उसका आचमन करना पवित्र होकर के, और अपने आराध्य देव का ध्यान करना, बस कुछ मत कहना, केवल आराध्य देव का ध्यान करना, और निश्चय करके आपके अंदर से एक प्रेरणा होगी, एक आवाज आएगी, एक शक्ति उठेगी, एक लहर उठेगी, आपका समाधान जरूर से जरूर होगा। जय राम जी की। लिख लेना इसको, हृदय में लिखना, कागज में नहीं, हृदय में लिखना, करना आप। समस्याओं का तो मानव पुंज है, आती रहती है, तो करना जी, जरूर से जरूर आपको समाधान मिलेगा। कोई ग्रंथ की प्रेरणा मिलेगी, ग्रंथ को आप खोल के देखेंगे, उस पेज पर वही बात मिलेगी जो आपकी समस्या का समाधान है। आओ, तो ब्रह्मांड में फैल गई वो शक्ति, परीक्षित जी का भाव, सब आ गए हैं और पूजा करी है, पूजा करके श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, मेरे परम सौभाग्य जो आज आप जैसे महापुरुष के मुझे दर्शन हुए, ये साम संस्मरणात् सद्यः शुध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनः दर्शनम स्पर्शम पाद शोचन आसनादि भी। परीक्षित जी कह रहे प्रथम स्कंद में, ये साम के साम जिन महापुरुषों के स्मरण मात्र से सद्यः शुध्यन्ति वै ग्रहा, गृहस्थी पुरुष हैं हम, घर से आए हैं, जाल में गुथे हुए हैं, ग्रसे हुए हैं, चारों तरफ से फंसे हुए हैं, दलदल में हमारे पैर हैं, लेकिन ऐसे दलदल में से निकालने वाले का यदि स्मरण भी हो जाए आप जैसे का, तो दलदल से निकल जाते हैं। किम पुनः दर्शनम, कैमुत्तिक न्याय प्रेमियों, कैमुत्तिक न्याय, किम पुनः दर्शनम, और फिर ऐसे महापुरुष के यदि दर्शन हो जाए तो किम कथनम, फिर तो कहनी ही बात क्या। और दर्शन के बाद में पाद शोचन आसना देवी, मान पाद प्रक्षालन करने के लिए मिल जाए, आसन बैठा करके हमें सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो हमारा सौभाग्य की बात, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है। किसी महापुरुष ने कहा है, ऐसा संत जहां रहता है कुलम पवित्रम जननी करता था, वो कुल पवित्र जो पैदा करता है ऐसे संत के लिए कुल वो पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा से पुण्यवती तेना पृथ्वी पवित्र हो जाती है। आओ, तो ऐसा संत जहां रहता है वहां के लोग क्या हैं, भाग्यशाली, समझना धीरे धीरे, भाग्यशाली हैं। और ऐसे महापुरुष के वचनामृत सुनने को यदि हमें मिल जाते हैं तो वे महाभाग्यशाली हैं। और वचनों को सुनने के बाद में यदि जीवन में उतर जाए तो वो परम सौभाग्यशाली हैं। और जीवन में उतर जाने के बाद में ऐसा संत यदि हमको याद कर लेता है तो वो अत्यंत सौभाग्यशाली है, कोई गणना नहीं है। संत याद कर ले, विदुर जी महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी लीला संवरण कर रहे थे, स्वधाम को जा रहे थे, तो किसको याद किया, मेरे विदुर को बुला दो। भगवान को सब याद करते हैं प्रेमियों, लेकिन भगवान जिसको याद कर ले, जय राम जी, मेरे विदुर को बुलाओ, भगवान याद कर रहे हैं, आपको भी भगवान याद करेंगे। ऐसा कर्म करके जाओ जो भगवान आपको याद करें, ऐसा कर्म करके मत जाना मैं नहीं कहूंगा, कर्म करो, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तो अत्यंत महाभाग्यशाली है जिसको कोई संत याद करता है। और दूसरा एक ही, ये चार पांच विशेषण बताए, लेकिन नेगेटिव में मैं एक दे दूं, प्रतिपक्ष भी थोड़ा सा दे दूं, क्योंकि प्रतिपक्ष के बिना सपक्ष बलवान नहीं होता है। आगे समझ में, तो क्या इतना होने के पश्चात भी, कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, इतना होने के पश्चात भी संत हमारी भूमि पर भी रह रहे हैं, संत हमें वचनामृत भी दे रहे हैं, संतों की हमें सेवा करने का भी अवसर मिल रहा है, नहीं, और संतों के अनुसार हम चलने का भी प्रयास कर रहे हैं, संत हमें याद भी कर रहे हैं, नहीं समझ में, और लेकिन फिर भी हम में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए वह महादुर्भाग्यशाली है। इतना मेरे कहने का तात्पर्य है, संत का याद करना और संत के हृदय में से निकल जाना, किसी कारण से यदि वो संत के हृदय में से निकलता है प्रेमियों, नहीं समझ में, तो महान दुर्भाग्यशाली है, उससे बढ़कर के दुर्भाग्य कोई नहीं है।
तो ये शाम संस्मरणार्थ परीक्षित जी, मैं आज सौभाग्यशाली नहीं महासौभाग्यशाली अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सब कुछ अवसर मिल रहा है प्रभु। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, एक प्रश्न किया है उसकी अर्धाली बोलूंगा, पूरे श्लोक की जरूरत नहीं, केवल अर्धाली। और अर्धाली के उत्तर में ही सुखदेव जी ने पूरी भागवत जी की रचना की है, सुनाई है, व्यास जी ने रचना की है, श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, केवल एक अर्धाली के ऊपर, एक प्रश्न के ऊपर। क्या प्रश्न है? प्रथम स्कंद पहले अध्याय में 19वां श्लोक है, देखना। पुरुष से ही यत कार्य म्रियमाण से सर्वथा। प्रभु जो पुरुष पुरौषेते इति पुरुष, जो इस पुरी में सेन करता है, जो इस नगर में रह रहा है, वही तो पुरुष है अर्थात जीवात्मा। पुरुष से ही यत कार्यम, पुरुष को जो करना चाहिए, जो करने योग्य है, कौन से पुरुष को? म्रियमाणस्य, जो मर रहा है। मृषमाण भी कह सकते थे आप, क्यों परीक्षित जी अभी मर नहीं रहे हैं, मरेंगे, ध्यान दो। भौतिकता में मैं आऊं थोड़ा सा, मरना तो खैर है ही नहीं, लेकिन परीक्षित जी मान लीजिए शाप लगा था तो भौतिक शरीर तो छूटता उनका, छूटेगा तो उनको प्रयोग करना चाहिए था मृषमाणस्य, जो मरेगा उसको क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी ने मरेगा भविष्य काल का प्रयोग नहीं किया, लट लकार का प्रयोग नहीं किया, वर्तमान का प्रयोग किया, लट लकार का प्रयोग किया, सर्वथा मर रहा है, म्रियमाणस्य, जो निरंतर मर रहा है उसको क्या करना चाहिए प्रभु। और निरंतर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी इधर से खाली हो मरने से, उधर से रह जाए तो बच जाएगा, जैसे हथियार चल रहे हो एक तरफ से चल रहे हैं तो इधर बच जाएंगे हम, इधर चल रहे हैं तो इधर कूद करके चले जाएंगे, आगे से चल रहे हैं तो पीछे को चले जाएंगे, लेकिन विशेषण लगा दिया सर्वथा, सब प्रकार से मरना ही मरना है, मरने से खाली है ही नहीं, उसको क्या करना चाहिए। तो आप बुरा भी मत मानना और थोड़ी सी कड़वी सत्य जरा सा मीठा मिला करके कह दूं, परीक्षित जी नहीं मर रहे, आप सब निरंतर मर रहे हैं। मृत्यु टाली नहीं जाती प्रेमियों, मृत्यु हटाई नहीं जाती, मृत्यु मिटाई नहीं जाती, तो क्या किया जाता है? मृत्यु सुधारी जाती है। परीक्षित जी का भौतिक शरीर छूटा लेकिन मृत्यु सुधार ली, तो मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान ने यह आपको अवसर दिया है, नहीं? और परीक्षित जी ने कहा 7 दिन के अंदर, और मैं भी आपसे कह दूं गारंटी के साथ, में बुरा लगे 3 बार लगो और खूब बुरा लगना, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर अंदर आप भी जयराम जी के हो जाएंगे। मैं शाप नहीं दे रहा लेकिन वरदान जरूर दे रहा हूं, बोला है कि नहीं ऐसा ही? 8वां दिन है ही नहीं, बताओ 8वां दिन लाओगे कहीं से लाओगे, गिन के बताऊं? जानते हैं आप सब, इनके अंदर ही होगा कि और इनसे आगे कहीं जाएगा। इसलिए परीक्षित जी ने प्रयोग किया कि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निरंतर मर रहा है, आयु से क्षण एकोपि सर्वरत्न न लभ्यते नियते तद्वृथा ये न प्रमादसु महानव। प्रेमियों जो क्षण जीवन में से जा रहा है, एज ए मोमेंट हैज गोन ही कैन नॉट रिटर्न फॉर यू, नेवर कैन नॉट रिटर्न फॉर यू, चाहे हीरे मोती पन्ने जवाहर जो, कभी नहीं आ सकती, उनके बदले में आप नहीं ले सकते, सबके बदले में नहीं। आयु से क्षण एकोपि सर्व रत्न न लभ्यते नियते तद्वृथा ये न, ऐसे अमूल्य समय के लिए जो व्यर्थ खो रहा है, इससे बढ़कर के आश्चर्य की बात और कोई है ही नहीं। दूसरा फिर लो, मरने के ऊपर बात बता रहा हूं। आयु से खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः न कश्चित वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसानि आहु। जिस मकान में, पक्का मकान है आपका, बहुत सुंदर है, नहीं समझ, लेकिन बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया, काफी दिन हो गए उसमें, तो पीछे से उनकी ईंट गिरना शुरू हो गया दीवार की, गिरते 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 छेद भी हो गया, बड़ा हो गया और गिर भी रही है, नहीं ऊपर लेंटर तक भी पहुंच रही है ईंट गिरती गिरती, और आप पैर पसार करके, पलंग बिछा करके, डल्लब का गद्दा बिछा करके और बाजा लगा करके, टीवी सामने लगा करके सो रहे हैं, और दमादम गिर रही है पीछे से, नहीं सर मेरे समझ में आऊँगा, कहूँगा भी आप जैसा समझदार शायद ही मुझे कोई मिले जो ऐसा कर रहा है, ऐसा है कि नहीं? बताओ जी, झूठ मत बोलियो,
बात सलाह कर रहे हैं, मैंने आपसे विमर्श का एक परामर्श कर लें थोड़ी सी, ऐसा है कि नहीं है? हम सो रहे हैं पैर फैला करके पसार, जागो मेरे प्रेमियों, ध्यान दो मेरे प्रेमियों, हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम। जो मनुष्य शरीर किस काम के लिए आया था, भगवान ने कैसी कृपा करके हमें अवसर दिया था, और उसको हम किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम खो रहे हैं। तो आ जाओ, तो खंडा गिर रहे हैं निरंतर, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है। और सज्जनों गिरेंगे, हमारे दादा परदादा बाप जाने कितने कितने गए, और सज्जनों जाना हमको भी है, जाना है नहीं जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इस प्रश्न के उत्तर में शांत बैठ जाओ, जो भी महापुरुष आए वहां थोड़े से बैठ जाओ, यूं कहीं देखा दाखी मत कर, थोड़ी सी देर के लिए अवसर है, आइए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक प्रश्न केवल परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, उसके उत्तर में पूरी भागवत जी व्यास जी ने रचना कर दी, पूरी भागवत जी। अब पूरी भागवत जी तो आप सुन ही रहे हैं, पूरी भागवत जी को तो कह रहा आज का वक्ता कोई सुना भी नहीं सकता, 7 दिन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं सुना सकता, सार सार सुनाते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, संत महापुरुषों के प्रसाद से जो थोड़ा सा मिला भागवत जी का सार, कथा का सार, उसको कहो तो मैं आपको निवेदन कर दूं। कथा का सार, जैसे परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने सार सार सुनाया, ऐसे उस कथा का जो सार है वो भी आपसे मैं निवेदन कर दूं थोड़े से। अभी मैं आपसे कह चुका हूं कि हम जैसे भाव बनाते हैं, जैसे विचार करते हैं, वो समझ लो वो भाव विचार ही हमारा जीवन है। एज ए मैन थिंकिंग इन हिज हार्ट सो इज ही, जो मनुष्य वर्तमान में सोच रहा है, प्रेजेंटली लाइफ एज ए मैन थिंकिंग, उसका जीवन वही है। अब आप बना, आप ध्यान करके देखो कि अपने जीवन को कैसा बना रहे हैं, आप नेगेटिव बना रहे हैं पॉजिटिव बना रहे हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमारा सारा संसार, हमारा सारा जीवन, हमारा सारा लोक पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, भावात्मक रहेगा, उसको सकारात्मक रहेगा, उसको मिटाने वाला ब्रह्मा जी भी नहीं है, बिल्कुल सत्य भाव उनके लिए। क्यों? योर चॉइस, चॉइस इज माई ऑर्डर, पंक्ति योर चॉइस इज माई ऑर्डर, जो तुम्हारी इच्छा है वही तो मेरा आदेश है। भगवान से वहां ढूंढने मत जाओ, मैंने आपसे निवेदन किया, हृदय में बैठा हुआ है ईश्वर सर्वभूता नाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हुआ है, वहीं बैठा हुआ है जहां आप सोच रहे हैं, उससे पहले बैठा हुआ है, उसके बिना आप सोच ही नहीं सकते, वहां बैठा हुआ है। और हम छिपा करके कहना चाहते हैं भगवान हम तो देख ही नहीं रहा है, कोई हमें देख ही नहीं रहा, अरे देखने वाला तो आपसे पहले ही देख रहा है, जयराम जी। तो आइए, वहीं बैठा हुआ है, सोच के अनुरूप बैठा हुआ है वहीं। और द गॉड इज गिविंग फॉर यू एज यू आर फ्रीक्वेंसी, परमात्मा वह दे रहा है जो आप निरंतर परमात्मा को दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी माने निरंतर भेज रहे हैं, जो भाव, जो विचार, जो ऊर्जा, वो परमात्मा रिटर्न फॉर यू, आपको ही लौट रही है, वही परमात्मा नहीं कर रहा अपनी तरफ से कुछ भी। बैंक में आप सामान जमा कराओ, सोना चांदी रुपए पैसे जो जमा कराएंगे वही मिलेगा, कोई और मिलेगा क्या राय? वही मिलेगा, मैनेजर अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, ना आपके को घटाएगा ना बढ़ाएगा, जो सिद्धांत के अनुसार जो रूल है उसी रूल के अनुसार आपको मिलेगा। तो ये हृदय भी एक बैंक है, ये मन भी एक बैंक है, अब विचार करो आप इसमें हम क्या जमा करा रहे हैं। सज्जनों वही आपको मिलेगा, वही आपको मिलेगा जो हम जमा करा रहे हैं। और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दूं आपको सिद्धांत पाश्चात्य दार्शनिकों का, हमारा जो अंतर्मन सूक्ष्म मन, मन के दो विभाग कर दिए, मन तो एक ही है लेकिन दो विभाग कर दिए, एक स्थूल मन है एक सूक्ष्म मन है। तो स्थूल मन बाहर से चुन चुन करके सामान लाता है, जैसे दृष्टांत को दे दूं, फैक्ट्री चलती होगी आपके यहाँ, कोई कारखाना चल रहा होगा तो बाहर से सामान लाते होंगे, जब ही तो फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं, जो कर्मचारी हैं, सामान बनाते होंगे ना,
अच्छा वो सामान आपके द्वारा लाए हुए सामान के अनुरूप ही बनाते हैं, दूसरा बना देते हैं? आप लकड़ियां लाए पीतल का बना करके दे देंगे क्या? नहीं देंगे। पीतल का सामान बनवाना है आपको, पीतल ला करके दिया, लकड़ियां बना देंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो ये स्थूल जो मन है, ये बाहर से जैसा पकड़ करके लाता है, ठीक वो अंदर प्रवेश कर जाता है, उतर जाता है, बैठ जाता है, गहरा प्रवेश कर जाता है, उसी के अनुरूप फिर निर्माण होता है। उस सामान के अनुसार पहले कच्चा माल आएगा, नहीं, फिर मशीनें, कर्मचारी उसका पक्का माल करते हैं, तो कच्चे माल के अनुरूप ही पक्का माल होगा, इस बात को मत भूलना सज्जन। तो आप बाहर से दर्शन से, श्रवण से, मनन से, चिंतन से, क्रिया से जो भी सामान लाएंगे अपने हृदय में, उसके अनुसार ही सामान बनेगा, मानी परिस्थिति और स्थिति वैसे ही बनेगी, उसे मिटाने वाला कोई नहीं है आपके भाव विचार के अनुरूप। नहीं दिया, अब फिर जब परिस्थिति हमारे सामने आती है, स्थिति जब हमारे सामने आती है तो अनुकूल आती है तो हम हंसते हैं, प्रतिकूल आती है तो हम रोते हैं। हंसने रोने की कोई जरूरत नहीं, जैसा बोया वैसा ही काटोगे, करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए सज्जनों, ऑलवेज शुड बी योर थिंक हाईएस्ट, आपकी जो सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट महान होनी चाहिए, गोल्डन होनी चाहिए। ऑल मैन वांट्स हेल्थी वेल्थी एंड गोल्डन लाइफ, बट दे डोंट नो व्हाट इज रीजन हेल्थी वेल्थी एंड गोल्डन लाइफ। विदाउट रीजन एनीबडी कैन नॉट नो, एनीबडी कैन नॉट मेक हेल्थी वेल्थी एंड गोल्डन लाइफ। प्लीज, पाश्चात्य दार्शनिकों के सिद्धांत में बाइबिल का आपको दे रहा हूं, नहीं समझ। हर मनुष्य चाहता है कि हम निरोग बने, हर मनुष्य चाहता है हम धनवान बने, हर मनुष्य चाहता है कि हम भाग्यशाली बने, हमारा जीवन सुनहरा बने, बट दे डोंट नो व्हाट इज रीजन, कारण क्या है ये नहीं जानते। और कारण यही है एज मैन थिंकिंग इन इज हर्ट, अभी जो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो वैसा ही बनोगे। महान बनने की आप सोच रहे हैं, सोचोगे जैसा ही होगा, कोई गौरव घमंड नहीं है, ये अहंकार भी नहीं है, महान बनने का, बड़ा बनने का जो आप सोचते हैं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान जरूर है। स्वाभिमान को मत खो, अभिमान मत करो, ये स्वाभिमान है। नहीं, यदि आप महान बनना चाहते हैं तो महान विचार रखो, ऊंचे विचार रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः रखो, सर्वे भवन्तु निरामया रखो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु रखो, सबको मैं सुख में देखूं, कल्याण में देखूं, निरोग देखूं। तो जब आप ध्यान दो, आहा सज्जनों ध्यान देना, जब हम इस प्रकार की भावना दूसरे के प्रति बनाते हैं, प्रचुरता की, प्रसन्नता की, प्रेम की, प्रखरता की जब भावना हम बनाते हैं, तो सज्जनों सृष्टि में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में जितनी भी प्रखरता है, जितनी भी प्रसन्नता है, जितना भी प्रेम है, वो आपके पास में दौड़ा दौड़ा चला आएगा, और उसके आने पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो कार्य संभव हो जाएंगे। जय राम जी की। आ रही मेरी समझ? तो भाग्य विधाता आप हैं, दूसरे के ऊपर मत थोपना। जब तक भाग्य विधाता आप अपने को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपका भाग्य बन ही नहीं सकता सच। ना भगवान बनाएगा, ना कर्म बनाएंगे दूसरे, ना धर्म बनाएंगे, ना ग्रंथ बनाएंगे, ना शास्त्र बनाएंगे, ना संत बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। क्यों? एज ए मैन थिंकिंग, ये बनाएगा। सो प्लीज ऑलवेज योर शुड बी थिंक हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। भाग्य विधाता आप स्वयं रहे। अब आप विज्ञान को देख रहे हैं ना, कहाँ पहुंच गया, क्या यहाँ बैठे हैं, अमेरिका की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत आगे पहुंच गया। लेकिन सज्जनों, द साइंस इज पार्टली यूनिफाइड नॉलेज, लिख लो, द साइंस इज पार्टली यूनिफाइड नॉलेज, बट द फिलोसफी इज एब्सोल्युटली यूनिफाइड नॉलेज। ये विज्ञान अधूरा ज्ञान है, पार्टली यूनिफाइड, संपूर्णता को लिए हुए नहीं, असंपूर्णता को लिए हुए। कहीं भी जाओ संपूर्णता है ही नहीं, दुख ही दुख, रोना ही रोना है। पहुंच जाओ जो जहाँ बैरिस्टर, विज्ञान, जितने भी जो भी कोई हैं, सबके पास में पहुंचो, रोने के अलावा कोई है ही नहीं। बड़ी बड़ी रचनाएं कर दी, बड़े बड़े निर्माण कर दिया, हवाई जहाज बना, जाने क्या क्या बना दिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आजकल क्या क्या हो रहा है, पता नहीं, भगवान जाने। यहाँ बैठे बैठे जाने कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है, बात आ रही है,
और यहाँ से जाकर के कहाँ वो इधर दक्षिण की यात्रा हो रही है, मैं आश्चर्य और कर रहा हूँ, यहाँ से बैठे बैठे ही पैसे भी पहुँच गए, टिकट भी हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, सीट भी मिल गई, हवाई जहाज भी मिल गया जयराम जी की। लेकिन पार्टली यूनिफाइड नॉलेज बट फिलोसफी इज एब्सोल्युटली यूनिफाइड, अधूरा ज्ञान है, पार्टली यूनिफाइड नॉलेज है, असंपूर्णता को लिए हुए क्या नॉलेज है। बिना शास्त्र ज्ञान के, शास्त्र ज्ञान प्लस अनुभव का ज्ञान, हिमसेल्फ नॉलेज, फिलोसफी नॉलेज प्लस हिमसेल्फ नॉलेज, एब्सोल्युटली यूनिफाइड नॉलेज, संपूर्णता का ज्ञान जब होगा, जब ये दोनों मिलेंगे, अनुभव मिलेगा और शास्त्र का मिलेगा, तो अनुभव किसी अनुभवकर्ताओं के पास में ही होगा, किसी उन ऋषियों के पास में ही होगा जिन्होंने खोज की है, उन्हीं के पास में होगा सज्जनों। क्यों? और फिलोसफी का ज्ञान सब चाहते हैं, लेकिन विदाउट ग्रेटेस्ट मैन एनीबडी कैन नॉट नो अबाउट फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के बिना, महापुरुषों के बिना समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते सज्जन फिलोसफी को। पढ़ लेंगे अक्सर वही है, इंग्लिश इसमें पढ़ो, चाहे हिंदी में होंगे, उर्दू में होंगे, संस्कृत में होंगे, लेकिन महापुरुषों का अनुभव नहीं होगा उसमें, महापुरुषों की जो शक्ति है वो नहीं होगी उसमें। इसलिए विदाउट ग्रेटेस्ट मैन एनीबडी कैन नॉट नो अबाउट फिलोसफी। इफ यू नो अबाउट फिलोसफी यू विल गो ग्रेटेस्ट मैन, जाइए उनके चरण पकड़िए। गीताजी में तो यही तो कहा है ना, उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जा प्रश्न कर, सेवा कर, उनके पास में पहुंच जा, वो उपदेश शांति ते आपको उपदेश देंगे, ग्रेटेस्ट मैन सेवा के द्वारा। तो परीक्षित जी को क्यों आए, सुखदेव जी क्यों आए, उनका यही तो भाव था, भगवान को शरणागत हो गए, उनका यही तो उच्च विचार था, शरणागत हो गए सज्जन। तो अब मैं उपसंहार की ओर ले चलूं विषय को थोड़ा। तो हमें पाश्चात्य दार्शनिकों से, हमारे वैदिक सिद्धांत से और महापुरुषों के अनुभव से ये मिला कि सबका सार, सबका आधार, सबका मूल, सबका कारण अपने भाव विचार हैं, अपने। कभी भी नकारात्मक, ऋणात्मक, अभावात्मक विचारों को, भावों को मत आने दो। यदि ऋणात्मक आ गए, अभावात्मक आ गए, नेगेटिव आ गए विचार, तो सज्जनों नेगेटिव आने पर जितने भी जीवन की नेगेटिव समस्याएं हैं, जितने भी जीवन के नेगेटिव पॉइंट हैं, नकारात्मक पॉइंट हैं, सब एकत्रित होकर के आपको पतन की ओर ले जाएंगे, सब इकट्ठे होंगे, सजातीयता मिलेगी उनके। और उन नेगेटिव विचारों को कब अवसर मिलता है, जब हमारे अंदर पॉजिटिव विचार नहीं है, सकारात्मक नहीं है, भावात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है, तब अवसर मिलता है। एक म्यान में दो तलवार एक साथ में नहीं रहेंगी, तो मन भी ऐसा ही है। युगपत ज्ञानानुपत्ति मनसोलिंगम, युगपत एक साथ, जिस जगह पर दो ज्ञान ना रहे एक साथ एक काल में, उसी को मन कहते हैं। तो पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव रखो, ये आपके ऊपर है, एक ही तरह के रहेंगे। तो जब अवसर मिल जाता है नेगेटिव, तो वो साम्राज्य स्थापित करते हैं, अपना साम्राज्य, राज नहीं साम्राज्य बना लेते हैं, नहीं, और उन्हें उनका साम्राज्य फिर चारों तरफ लहराता है। उसको काटने का, उसको तोड़ने का उपाय माने हो कोई बात नहीं, चले आए हैं जन्म जन्मांतरों से, मात्र यह है भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, महापुरुषों की सेवा करो, महापुरुषों के वचनों अमृत का पान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जयराम जी के होगा कहा। और एक बता दो क्यों होगा काम, इसलिए होगा, परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को परोक्ष प्रियता है, शास्त्रों को परोक्ष प्रियता है, ऋषि मुनि महर्षियों को परोक्ष प्रियता है, जो उन्होंने कहा है उसका तुम आज्ञा का पालन करोगे तो आपका धर्म बन गया। क्यों बन गया? कि वो भौतिक संपत्ति को नहीं चाहते हैं, भौतिक संपत्ति से, धन से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, लिख लेना, होते हैं, कर्तव्य आपका, मैं निषेध नहीं करता, सेवा करो, खूब करो, दान करो, दक्षिणा कर दो, कुछ भी, लेकिन भौतिक संपत्ति से वे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं आध्यात्मिक संपत्ति के देने से। और आध्यात्मिक संपत्ति माने उनके द्वारा जो आपको दिया है उसे अनंत गुणा करके आप उनको लौटा दो, नहीं आई भाषा समझ में, माने उस साधना को, उस उपासना को, उस नियम को ज्यादा से ज्यादा करो, वो प्रसन्न होंगे, नहीं, उनकी दान और उनकी दक्षिणा यही है, ज्यादा से ज्यादा दो उसके लिए,
नहीं वो क्यों, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। और जहाँ अपना होता है, अपना तू जहाँ होता है, ममत्व जहाँ होता है, आत्मीयता वहीं होती है जहाँ अपना होता है, अपनापन होता है। तो ईश्वर अंश आप सब तरह से हमारे अंश हैं, हमारे ही ये टुकड़े हैं, संत का हमारे माने संत के हैं, शास्त्र के हैं, सिद्धांत के हैं, धर्म के हैं। और जब धर्म का हम पालन करेंगे, धर्म मूर्तिमान बन करके हमारे सामने आएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें सब स्थिति परिस्थितियों को बिल्कुल अनुकूल बनाएगा। धर्म कैसे शब्दों में कहो, इसको बात यही है। नहीं तो सारभूत अर्थ यही हो गया कि अपने भाव और विचारों को सुंदर बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, महान बनाओ। जब विपरीत आने लगे, नकारात्मक आने लगे, तुरंत ही बदल दो। ऐसी जगह जाकर के बैठो जहां आपका मन प्रसन्न हो, मन में हरियाली हो, हरियाली में जाकर के बैठो, मन हरा हो जाएगा। आहा, कौन ऐसी बलाएं है जो हमें बलात्कार से खींच करके नकारात्मक की ओर ले जाती है? कौन बीमारी है वो, आइए। हाँ, कामना का अर्थ शब्द है वो। हाँ, चाह, आओ, बहुत अच्छा सूत्र जो हमारे अंदर भरी हुई है। मैं आप में ही मिलकर के बोल रहा हूँ, आपका हूँ, है ना, है, लेकिन आप में मिलकर के वो दिखानी पड़ेगी। क्या चाह, ये सबसे खतरनाक है और कभी पूरी होने वाली नहीं, कभी रुकने वाली नहीं, एंड इसका है ही नहीं। श्री गणेश आए तो है, लेकिन इति श्री नहीं है। क्यों? लो हाँ, परीक्षित जी जान दो, चाह पैसों से आनों में आने लगी। बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, समझना। चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से चाह रुपया बनाने लगी। एक मिनट ठहर जाए थोड़े से आप वहीं। चाह पैसों से आनों में आने लगी, समझना, यही तो है। एक भिखारी था, पैसे मांगता था, एक 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 दो दो, एक एक दो दो। अब चार पांच छह हो गए, पैसे हो गए। अब तो बोला पहले आने थे, इसलिए ये पहले का ये अब की रचना नहीं है, पहले की है। बोला पैसे से अन्नी बन जाए तो बढ़िया, देखी होंगी आपने अन्नी दो अन्नी। तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, आना आना बन जाए तो मौज है जाए, पैसों से थोड़ा काम चला ले, आने पीछे को रखने लग जाए। तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से चाह रुपया बनाने लगी, एक रुपया हो जाए। भिखारी कह रहा है, नौगुणी भूख बढ़ रही है। अब देखो, एक रुपया बन जाए तो मौज है जाए, आनंद से समय बीतेगा। तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से, देख रहे, यही तो है। चाह कभी पूरी नहीं होगी, आप कितना ही प्रयास कर लें, चाहे वो धन की हो, संपत्ति की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, रूप की हो, यौवन की हो, किसी की भी क्यों ना हो, चाह कभी पूरी नहीं हो सकती सज्जन। तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से चाह रुपया बनाने लगी, रुपया से चाह ने कोठी बनवाई, और कोठी में चाह ने मोटर मंगवाई, और मोटर से, यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लग रहा, क्या बना रही है, और घरवाली जो बनाती थी अच्छा ही नहीं लग रहा, न चटपटा है, न मसाला है, न मिर्च है, न तेज है, न धनिया है, न नमक है, ना। तो चाह मोटर से होटल में गई, वहां का भोजन अच्छा लगेगा। फिर माताओं का अपमान हो गया, अनादर हो गया। तो चाह मोटर से होटल में गई, और होटल में चाह ने बोतल खुलवाई। यही तो काम होंगे, फिर कहां से कहां जा रही है, बोतल खुलवाई। भ्रष्टाचार से कहां अन्यथा गति, सज्जनों हंसने की बात नहीं, संस्कृत की परिभाषा है। भ्रष्टाचार से कहां अन्यथा गति, जो एक बार गिर गया उसको गिरने से ज्यादा और दूसरी गति है ही क्या, गिरता हुआ ही चला जाएगा। मैं यहीं फिर थोड़ा सा बोल दूं आगे बढ़ने से पहले, एक भिखारी था, पैसे मांगता दिन में, शाम को उसने 10-8 रुपए इकट्ठे कर लिए मांग मांग करके। अब उसने हिसाब लगाया कि पौआ आ जाएगा इसके बाद में, लेकिन अब नमकीन के लिए नहीं है गुंजाइश। तो अब नमकीन के लिए क्या कर रहा है कि आप जैसा कोई सज्जन जा रहा था उससे कही, अरे बाबूजी 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 दो रुपये दे जा, दो रुपये, आठ तो मेरे पास में है, दो रुपये और दे जा। बोला क्यों, क्या बात है? बोला बस पौआ तो आ जाएगा लेकिन नमकीन के लिए नहीं है। अच्छा, जब तू पौआ भी लेगा, नमकीन भी लेगा, मिट्टी कुछ भी मानो, मैं नहीं कहूँगी, वो भी खाएगा,
तो इसके बाद में तो तेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, फिर तो तुझे कहीं सोने के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बोलो उसके लिए तो फिर मैं जेब काट लूंगा और जेब काट करके चला जाऊंगा सोने के लिए, तो गलत जगह पर, उसके लिए तो जेब काटूंगा नहीं सर। तो कहते हैं भ्रष्ट से कहा अन्यथा गति, प्रेम ये एक बार जो गिर गया, एक बार जो फिसल गया, एक बार जिसका पतन हो गया उठना बड़ा कठिन है, और एक बार जिसका उत्थान हो गया जो उठ गया उसका गिरना भी बहुत कठिन है सज्जन, नहीं गिर सकता। तो आओ होटल में चाहने बोतल खुलवाई, उसी जगह आ जाओ ना, होटल में चाहने बोतल खुलवाई, अविवेक यों की चाह नित नवेली है, अविवेक यों की चाह नित नवेली है और विवेक यों की चाह नित चेली है, चाह रहेगी लेकिन दासी बन करके रहेगी और आपको चाह पैदा होगी ही नहीं, और होगी तो फिर उसकी आपको आवश्यकता रहेगी ही नहीं, बिना बिलाए प्रकृति भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी कि इस महापुरुष की, ऐसे अकिंचन जो पुरुष है उसकी सेवा करने का मुझे अवसर मिल जाए। तो अविवेकियों की चाह नित नवेली है और विवेकियों की चाह नित चेली है सज्जनों। चाह जर से लगी, जर्मानी धन, जर्मानी संपत्ति, जर्मानी पद, जर्मानी प्रतिष्ठा, आगे समझ में। तो चाह जर से लगी जी जरा बना, वृद्ध हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। तो चाह जर से लगी जी जरा बना और चाह हर से लगी तो जी हरा बना, जयराम जी की। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, करो करो मत करो, कुछ करो ना करो ये अलग बात है, लेकिन अपनी चाह को, वही चाह उत्कट जिज्ञासा जिसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में उत्कट जिज्ञासा, हरि से लगा दो। और एज योर चॉइस सो इज माई ऑर्डर, जो आपकी इच्छा है, जो आपका वो मेरे आदेश है, मेरा आदेश मैं देना शुरू कर देता हूँ, उसी समय शुरू कर देता हूँ, नहीं समझ। इसलिए फिर दूसरा सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं, लिख लेना, ये संसार में व्याप्त है सज्जनों, बड़ी हूक के साथ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लिख लेना इसके लिए, यदि आपको बनना है कुछ तो, यदि आपको सुधरना है तो, यदि मानवता को सार्थक करना है तो, जो अभी मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, जब हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो उसका बुरा हम कर पाएंगे ना कर पाएंगे, होगा ना होगा, और कब होगा कैसे होगा ये अब अलग बात है, लेकिन हमारा बुरा होना उसी क्षण प्रारंभ हो गया, हमारा अनिष्ट होना उसी क्षण प्रारंभ हो गया सज्जनों। और जब हम किसी का भला करने की सोचते हैं, करते नहीं मात्र सोचते हैं, सिद्धांत यही चल रहा है, जब हम किसी की भला करने की सोचते हैं तो उसका भला होगा ना होगा, कब होगा कैसे होगा क्यों होगा, वो आगे की बात है, नहीं और होगा जरूर, यदि आपका संकल्प शुद्ध है तो, आपका संकल्प सही है, श्रेष्ठ है, भला करने सही शक्ति उसमें है तो निश्चय करके उसका भला होगा ही। महापुरुष की दृष्टि जिधर पड़ जाती है, चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, नारायण पत्थर भी बदल जाता है, पत्थर भी उठ जाता है, जड़ वस्तु भी उठ जाती है, मैंने देखा है खूब अच्छी तरह से, अनुभव तो नहीं कहूंगा लेकिन महापुरुषों से ऐसा सुना है कि जिधर उसकी दृष्टि बन जाती है जाने क्या से क्या बन जाता है, और जहां से उसकी दृष्टि हट जाती है प्रेमियों वहां भी जाने क्या से क्या बन जाता है, जयराम जी की। इसलिए हाईएस्ट थिंक ग्रेटेस्ट थिंक, सोच हमेशा ऊंची रखो, महान रखो, छोटी मत रखो, किसी के बारे में भी मत सोचो। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरताम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये तेरा मेरे छोटी बुद्धि में मत अटको या मत फंसो मेरे तेरे में, चलो करो आप साधना, बढ़ेंगे जरूर जाकर के, कोई दिन आएगा। वसुधा ये उदार चरता नाम, उदार जिनके चरित्र हैं, उदार जिनके विचार हैं, ऊंचे जिनकी सोच, ऊंची जिनकी सोच है, वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही उनका समाज है, परिवार है उन्हीं का, क्यों भौतिक दृष्टि से देखा जाए सज्जनों, सिद्धांत भौतिक शरीर पंचभूतों से सबके बने हुए हैं, भौतिक दृष्टि से सब एक, वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी हमारा कुटुंब है, भौतिक दृष्टि से सब एक, जीव दृष्टि से सब एक, जीव का जो निर्माण होता है एक ही तरह होता है, दूसरी तरह नहीं होता, वो अलग बात है, वेदांत के उधर चले जाओ, जीव भाव से एक, नहीं आई समझ में, और ईश्वर की संतान रूप से एक, ईश्वर ने निर्माण किया है आपका हमारा सबका, तो संतान हम सब ईश्वर की हैं, सब भाई भाई हैं, एक बाप के बेटे हैं, नहीं समझ। और आत्मदृष्टि से
एक दो है ही नहीं। तो ऐसा विचार करके जब हमारे अंदर वो भाव कोई पैदा होने लगे उसको कुचल दो, अच्छी जगह पर जाओ, अच्छे लोगों से संपर्क करो, कोई गाना गुनगुनाने लग जाओ, कुछ वस्तु जो आपको प्रिय है उसका चिंतन करने लग जाओ, उसके पास में पहुंच जाओ, कोई ग्रंथ देखने लग जाओ और वो भाव विचार समाप्त हो जाएगा और अच्छा भाव विचार आपके पास में आ जाएगा। तो मैं आपसे करवद निवेदन करता हूँ, जो भी आपकी समझ में आया है, जितना आया है उसको उसी अंश में ग्रहण करके और जीवन में उतारने का प्रयास करो। कोई प्रवचन वचन बस मानना कि प्रवचन करने के लिए यहाँ आए हैं, सुनाने के लिए आए हैं, बस मैं तो केवल परामर्श करने के लिए आपसे आया हूँ। जो समझ में आया है अच्छी बात वो आपकी, और कोई समझ में नहीं आई, कुछ विपरीत पड़ गई हो, क्यों मैं भावावस्था में बोलता हूँ, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, उसे मुझे दे देना, वो मेरा है, उसे ले जाऊंगा मैं, नहीं ऐसा नहीं। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। अरे अभी मेरे हाथ ऊपर नहीं हुए तुम कैसे करने लगे, संग संग चलिए। Oh,
मत तोड़ना। हम अपने चौधरी साहब के आभारी हो गए। न जाने कितने दिनों के बाद गुरुदेव की वाणी सुनने को हमें मिल गई, यानी कितने दिनों के बाद। इसलिए मैंने आज कथा का चौथा दिन है आज मैंने खुल के पहली बार ताली बजाई है। उमंग मन में बहुत आ गई है, चार दिन से मैंने ताली नहीं बजाई। बोलो गवाह है सब लोग, आज आया। जय हो। सागर में सागर भर के चले गए। इतनी बातों को कोई 8 दिन की कथा में नहीं कह पाएगा, जो आधा घंटे में है हम सब के हृदय में उड़ेल के चले गए। उन्होंने कितनी प्यारी बात कही। क्या कहा? जो संतों के दिल पे चढ़ जाए, संतों की नजर पे चढ़ जाए, उसकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक। लेकिन दूसरी बात कही कि उनकी दृष्टि से जो उतर जाए, उनकी दृष्टि से। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, ये तो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं जो हाल दृष्टि पर चढ़ा लेते हैं और हाल उतार लेते हैं। संत पहले या तो दृष्टि पर चढ़ाता नहीं है, और चढ़ा लेता तो फिर कभी उतारता नहीं है। साहब है हरि। मेरे दिमाग में आई है, पहले एक भजन सुना करता था मैं, गुनगुनाऊं। हो गुरु तारो पार न पायो, हो गुरु तारो है कि हे गुरुदेव, तुम्हारा पार नहीं पाया किसी ने, कोई पार पा ही नहीं पाया। अरे जो गुरु का पार पाने की कोशिश कर रहा है वो नादान है। अरे पार पाने की जरूरत नहीं है, प्यार मिल रहा है हम लोगों के लिए काफी है। क्या करना पार बार से है? प्यार काफी है, पार की जरूरत नहीं है। पार पाने जो चले वही डूब गए, हाँ? और जिन्होंने यहां डूबने की कोशिश की वो पार हो गए। तो पार नहीं पाना, हमें तो प्यार मिल रहा है, हाँ? तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, महापुरुषों की नहीं, यहां के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं। महापुरुष विचित्र होते हैं, संसार के नहीं,
महापुरुष संसार से अलग होता है। यहां के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं जरा सी बात पर, बोलो बोलो, तोड़ देते हैं। ये संसार के लोगों की बात है। एक गोपी से भगवान ने कहा, वो गोपी बांधने चली थी भगवान को, लेकिन भगवान ने उस गोपी को बांध दिया। कथा आप सुन चुके हैं, गोपी भगवान को बांधने चली थी और भगवान ने गोपी को बांध दिया पेड़ से बातों में लगाकर। अब वो गोपी कहती है, प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे बांध दिया आपने, दुनिया जाने क्या क्या बातें करेगी, न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ेंगी सुबह मेरे बारे में, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, अरे गोपी तुझे पता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में पहले तो किसी को बांधा नहीं, और जब मैंने बांध लिया तो फिर मैंने कभी खोला नहीं है, उसे छोड़ा नहीं है। मैं जब बांधता हूं तो बांध ही लेता हूं, मैंने बांधना ही सीखा है, मैंने खोलना सीखा ही नहीं है। महापुरुषों में संसारियों में बड़ा अंतर होता है भैया, बड़ा मन गदगद है। आज उनकी वाणी हम सबको मिली, या बहुत पुराने पुराने गुरुजी के श्रोता हैं, बहुत पुराने पुराने। चार बज गए, घड़ी देख लो, हाँ का कह रहे हो, हाँ क्यों क्यों। एक बार राजस्थान में कथा है रही, दौसा जिला में, सो ऐसे ही टाइम हो गया। मैंने कहा के भैया, अरे मैया अब टाइम है, गो जाओ। ओ बाबा तू तो कह, ओ बाबा तू तो कह, बड़ा भाव था उस माँ की भाषा में, कैसी भी रही हो भाषा तो सचमुच आप लोग इतने अच्छे लगते हो, इतने भाव से। मेरे पास आप सब की तरफ से सिफारिशें पहुंची है कि जब ही तो आनंद आता है तभी तुम बंद कर देते हो। अरे घड़ी का काम है वो चलती रहेगी, तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, बोले उधर घड़ी चले उधर आप भी चलते रहा करिए। मैंने कहा भैया मैं घड़ी नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन आपका भाव है तो मैं 10-5 मिनट और इसको प्रसंग को पूरा कर दूं, बाकी ज़्यादा टाइम तो मैं आप कहेंगे तो भी ले नहीं पाऊंगा। उसका कारण है कि सुबह से मैं भूखा रहता हूँ, वो जाकर तक तो भूख पक जाती है बिल्कुल। तो फिर आपका भी समय, दूर दूर से लोग आते हैं। मुझे आज राम का अवतार करना था, तुम कहो तो करी डारूं, बोलो बोलो है करी डारे हो भी सो देखी जाएगी। हाँ एक चोर चोरी करके भागे हो, बाकी पीछे का आदमी भाग रहो, और भागते ही चले जाए, भागते ही चले जाए, और चोर बड़ो परेशान है, जब तो रुक ही नहीं रहो। तो वान की मैं हाथ आने वाला नहीं हूँ, मैं सैकड़ों किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। तो पीछे बाप बुड्ढो बोलियो, कहूँ तो गंगा जमुना पड़ेगी, तो रुकेगा भैया। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा चल रही थी, उसी में आगे समुद्र मंथन और राजा बलि का चरित्र। नौवें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जहाँ जिसको इच्छाकु वंश भी कहते हैं हम, रघुवंश भी कहते हैं, जिसमें सगर हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, खडवांग हुए, अज हुए, दशरथ, दीर्घबाहु इत्यादि जो राजा हुए हैं। अब दशरथ के बाद में तो आप जानते हो को भाई, 11 रथ भाई कि नहीं भाई, 11 रथ नहीं भाई, वो 10 के बाद 11 ही तो आते हैं, नहीं आते। अच्छा दशरथ के बाद में 11 रथ नहीं हुए, क्यों? क्योंकि जो 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो फिर संसार मुखी नहीं होता, वो परमात्मा मुखी हो जाता है। राम 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 सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे।
कोटि यज्ञ फल हो। कोई जीव से जपता है, कोई खटताल ढोलक मजीरा से जपता है, और कोई कोई तो जीव से भी और आंखों से भी जपता है। कोई कोई जीव आंख और मन से भी जपता है। जब कोई व्यक्ति इन दसों से जप लेता है ना, तो कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ जी महाराज के तीन रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और मंदोदरी। हाँ, अच्छा केकई थी, सॉरी गलती हो गई। आप लोग जानते हो, हम तो वैसे ही बैठे हैं, आप लोग सब जानते हो। अच्छा मंदोदरी नहीं थी। एक बार कुछ चार पांच बदमाश लोग थे, उन्होंने कहा यार बदमाशी तो अब चलती नहीं है, जगह जगह बैंकों में रखते हैं लोग, घर में तो रखते नहीं, चोरी चपाटी तो बंद हो गई, अब कोई दूसरा बिजनेस ढूंढे। उन्होंने कहा यार बाबा जी पने का धंधा बहुत अच्छा है, बाबा जी हो जाओ, कथा सीख लो दो चार, खूब कथा को पैसा आएंगे खूब आराम से। उन चारों पाँचों ने अभ्यास किया, कथा सीख ली, अब कथा तो चार पाँच दिन में क्या सीखे होंगे। उन्होंने ऐसे कुछ सुन सुना रखा था, कुछ बोले चलो, बेस बनाया और माइक लगा दिया, प्रचार कर दिया, महाराज जी आ रहे हैं। अब महाराज जी बोलने लगे कि द्रौपदी का चीर और जब कंस ने खींचा, तो एक बीच में से खड़े हुए, महाराज जी द्रौपदी का चीर कंस ने नहीं, दुर्योधन ने, दुशासन ने खींचा था। अरे बोले कंस खींच लेगा तो तेरा घर से कुछ जाता है यार, अपन अच्छे धंधे में अपना धंधा करना चाहते हो उसमें टांग अड़ाते हो, हाँ अच्छे धंधे में बुरे कर्म में जा रहे थे, अच्छे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, और कंस खींच लेगा तो तेरा घर का कुछ जाएगा क्या। तो दशरथ जी महाराज के तीन रानियां कौशल्या, केकई और बोलो बोलो सुमित्रा, हाँ। लेकिन रानियां तो तीन थी लेकिन संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ चुका था। खूब ढूंढा दुनिया में उपायों को लेकिन मिला नहीं। तब अंतिम में गुरु गृह गया तुरत माही पाला, दो नहीं तीन नहीं चार चार दूंगा। और धर्म का जो पालन करता है और महापुरुषों की शरण में जाकर के जब वो धर्म का फल मांगता है ना, तो एक नहीं मिलता, चार चार फल मिलते हैं। काय के फल जानते हो? पपीता के नहीं, ना अमरूद के। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार चार फल। जाओ मेरा आशीर्वाद है, लेकिन आप यज्ञ करो, जा करके घर पे यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, प्रेम सहित मने
प्रसाद मिला अग्निदेव के हाथों से दशरथ जी को, वो रानियों में बांट दिया और तीनों रानियां संतों के प्रसाद से, अग्नि के प्रसाद से, यज्ञ के प्रसाद से गर्भवती हुई। संसार के प्रसाद से नहीं, दुनिया के प्रसाद से नहीं, लौकिक लोगों के प्रसाद से नहीं। श्रीमद् भागवत के महात्म में दुनिया के प्रसाद से धुंधकारी पैदा हुआ था और एक महात्मा के प्रसाद से गौकर्ण पैदा हुआ था। संतों के प्रसाद से जो संतान होती है वह या तो महात्मा पैदा होता है या कोई परमात्मा पैदा होता है। आत्मदेव के गौकर्ण जैसा महात्मा हुआ और दशरथ जी के महात्मा नहीं, साक्षात परमात्मा पैदा हुआ। चार रूपों में भगवान कौशल्या के महल में पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए नारायण। कौशल्या मैया ने पूछा कि आप कौन, आपका परिचय? बोले हम आपके बच्चे हैं। कौशल्या बोली इतना बड़ो बच्चा सब कपड़ा पहरे भाई, इतना बड़ो बच्चा, मैं किसी को बताऊंगी भी कि ये मेरा बच्चा है तो सब मेरे को ही। बोले नहीं नहीं, मैं आपका बच्चा होने वाला हूं। लेकिन बोले ऐसे क्यों प्रकट हुए? बोले मेरा मन हुआ कि पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। अच्छा ठीक है, परिचय हो गया, अब बच्चे बनो। भगवान थोड़े से छोटे हुए, बोले अब ठीक हूं? बोले नहीं, थोड़े और छोटे हो जाओ। थोड़े और छोटे हो गए लेकिन आकृति ज्यों की त्यों रही, भाई चार हाथ, वो गदा वस्त्र पहने हुए, और छोटे हो, बहुत छोटे हो गए। बोले और छोटे हो जाओ। बोले बहुत छोटा तो हो गया, और कितना छोटा हो? बोले तुम बच्चा बनना नहीं जानते हो। बच्चा बनने के बाद आवाज नहीं आती, ये शब्द नहीं उच्चारण होते, बोला नहीं जाता है। बोले तो बोले रोया जाता है। और बच्चा कपड़े पहन के नहीं आता, कैसे आता है? नंगा। भगवान ने बोले तो हम भी हो जाएंगे नंगे। बोले हो जाओ, लेकिन बोले बोलना भी नहीं है। तो बोले क्या करना है? बोले रोना है। भगवान बोले हम पे कौन सी विपत्ति पड़ी है जो हम रोए हैं? हम क्यों रोए हैं? बोले अपनी विपत्ति से जो संसार के लोग रोते हैं, परमात्मा और महात्मा अपनी परेशानी से नहीं, दुनिया की परेशानी से रोया करते हैं। पर दुख द्रवाय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवाय। दुनिया पर विपत्ति आई है, रावण का राज्य है, गौ माता दुखी है, धरती माता दुखी है, आपको रोना है। चलो कथा तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं। भारत की माताओं में वो ताकत है, परमात्मा को भी सिखाती है, इंसान ऐसे बनो, मनुष्य ऐसे बनो। जब इंसान पैदा हो या भगवान पैदा हो तो वो इंसान के रूप में पैदा नहीं होता, वो एक मांस का और हड्डी का लोथड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत डाली जाती है वो भारत की मां डालती है, जो भारत की मातृशक्ति डालती है। इंसान पैदा नहीं होता, इंसान तो बनाया जाता है और वो भारत की मां बनाती है। परमात्मा हो चाहे कोई और हो, जब धरती पर आएगा उसे इंसानियत भारत की मां सिखाती है। लेकिन एक बात और कह दे, जब कोई व्यक्ति कैसा भी पैदा हो जाए इस धरती पर,
और मां यदि वाकई बुद्ध पुरुष है, वाकई महान है, तो परमात्मा को तो इंसान बना देती है मां, लेकिन यदि मां सचमुच में महान है तो इंसान को परमात्मा भी मां बनाती है। इंसानों को इंसानों से परमात्मा तक, परमात्मा से इंसान तक, इन दोनों की यात्रा इस भारत की मां के ही वश की बात है। फिर जब कौशल्या ने कहा कि रो, तब फिर भगवान बोले तो ठीक है जो आज्ञा। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोए। अच्छा एक बात देखना, आपका यहां कोई बच्चा रोने लगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, और आखिर में जब चुप नहीं होगा तो कहेंगे अरे जाए क्यों यहां ते ले जा। हा? सब परेशान होते हैं, घर में कले रोए रोए बालक तो सब भाई पे डांटेंगे बाकी माए है। लेकिन परमात्मा या महात्मा के जब आंसू निकलेंगे तो कलेश पैदा नहीं होगा, तो क्या पैदा होगा? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। परमात्मा की आंख से आंसू या किसी महात्मा की आंख से करुणा के, दया के, अपनी कृपा के यदि आंसू गिर जाए है तो कलेश नहीं, कलेशों का खात्मा हो जाता है, सफा हो जाता है, वहां ब्रह्मानंद प्रकट हो जाता है। दशरथ जी को आनंद नहीं आया, परमानंद नहीं आया, मानहु ब्रह्मा नंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा। दशरथ जी दौड़े दौड़े आए और कह दिया कि भाई जिसको जो ले जाना है वो खजाना ले जाओ, मैं बांटूंगा नहीं। खुली छूट है, ताले खुलवा दिए सब, सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात गेहूं बाजरा सरसों, आलू तो शायद वासे में होंगे कि जन नहीं होंगे पता ना, होंगे तो खुलवा दिया होगा ऐसे समझ लो, ठीक है। सब खजाने को खुलवा दिए लेकिन कोई एक दाना नहीं ले जा पाया। सर्व सदान दीन सब का जो पारा खा नहीं था। अच्छा राम के जन्म लेने पर ही सब खजाने खुलवाए, पहले क्यों नहीं लुटा दिए? जब किसी को कोई आध्यात्मिक दौलत मिल जाती है, जब कोई ब्रह्मानंद परमानंद मिल जाता है, आत्मानंद मिल जाता है, हैं? तो फिर इस भौतिक दौलत की कोई अहमियत नहीं रह जाती, फिर वो इसे लुटा देता है, क्योंकि मुझे वो मिल गया जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी रहता ही नहीं है, लुटा दिया, ले जाओ ले जाओ। दूसरी बात, परमात्मा दशरथ का सब कुछ है, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुखराम। ये सब कुछ सारा जो धन है ना दशरथ जी का, वो एक की गोद से दूसरी गोद में, दूसरी से तीसरी गोद में, सब में घूम करके ये धन, असली धन, ये हीरे मोती जवाहरात ठीक है धन है, लेकिन ये असली धन क्यों नहीं? असली धन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता तहि जानियो जापे राम नाम धन हो। अब ब्रज की जो अयोध्या की जो माताएं हैं जिन्हें पता चला कि राम के दशरथ के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ, अब बधाई देने के लिए दौड़ पड़ी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैं भी यहाँ सबके, जितने भी मेरे श्रोता हैं, आप सबको भी, आपके जीवन में परमात्मा पैदा हो, अयोध्या में परमात्मा पैदा हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। मैं माँ तो अब इतनी पुलिस फोर्स पर ये दर्शन कर रही दुल्लों में है, का फायदा ऐसे परमात्मा के वहां प्रकट होने से? हमारे जीवन में, हमारे हृदय में,
हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में जब परमात्मा का प्राकट्य होगा, हमारा कल्याण तो तब होगा। न वहां कोई पुलिस काम करेगी, न कोई फोर्स काम कर पाएगी, फिर हम खुली भाव से उनका दर्शन कर पाएंगे। तो आप सब श्रोताओं के लिए मेरी भी शुभकामना गुरुदेव की तरफ से कि आपके जीवन में भी कभी परमात्मा प्रकट हो, भगवान प्रकट हो और जीवन कृतार्थ हो जाए। आप सबको राम जन्म की बधाई हो। बोलो बधाई हो। अरे बोलो भैया बधाई हो। इधर से तो आवाज आ रही है, इधर से तो बिल्कुल ना आ रही, लेकिन बेचारी बोल इसीलिए नहीं बोल रही है कि तो जेठ बैठे हैं, कैसे उन्हें कि तो ससुर बैठेंगे और कैसे बोले है? और घर लड़ाई है जाए आपस में तो फिर यू कहते हैं बने रहे हो जेठो पहले है, होगा जेठ होगा बने ले होगा, अब नहीं सुनो सुनूंगी काऊ की। भगवान के नाम में सब बोलो बधाई हो। वाह वाह वाह। ओ जी कोई लम्बो बहुत लम्बो बोलो। ओ यार बधाई आती है। अच्छा ठीक है तो गाओ एक बधाई। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ। ताली बजाते रहो ये बात। अच्छा यहाँ नाचने का मन तो बड़े बूढ़ों का भी चलता है, और जो वरिष्ठ एक अपनी गरिमा लिए रहते हैं उनका भी चलता है। मन तो नाचने का सबका चलता है, पर करें क्या, शर्म लगती है, इसलिए को उपाय कर रहा हूं। सब खड़े आ जाओ, कोई का वो देखेगा नहीं, कोई का वो दिखेगा नहीं। जय हो। बच्चों की टीम नाचने वाली आई, अच्छा लग रहा है मुझे। कल एक इंसान मुझे मिले तो कोई नाचता नहीं, हम ही क्यों नाचे अकेले। मैंने कहा भैया तेजी तुम सही कह रहे हो। फिर जय हो।
जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू
उसको कहते हैं लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी बाबा एक बात बताओ जी जवानी जवानों के लिए करो जो बुढ़ापे के लिए क्या करो फिर मैं बालकन की बात माननी पड़ी फिर जब एक पंक्ति मैंने बदल दी है सुनाऊं तुम कहो तो ये तो कही नहीं रही है सुना दे अरे बुढ़ापे कछुए सो काम करो कछुए सो काम करो जो रहो मुनाफे
तन भरी भरे बुढ़ापे में कचरे सो काम करो जो रहो ना पीवे बालक फोन कर रहा हो कि जल्दी ते आ जा वो चुल्लू भाई बाबा आ गए जाते तो नाम ही बदनाम है ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी भगवान की जय हर हर महादेव बाके बिहारी तेरी आरती शांतिदेवा
हरि ओम मेघदंताय विद्महे वाग्दंडाय धीमहि तन्नोदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्ते काम कुलजाम भगवाट लाभ जय गजाद कर भीतर साल पुष्प बिलवा प्रबाल तुलसी रल मंजरी स्वयाम जगदीश्वर में प्रचीरा नाराज गंध पुष्पाणी यदा कालो भवानी चा पुष्पाजलि निर्मया दत्तम ग्रहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।